पर हथियार सप्लायर के ठिकाने पर रेड की बात सामने आई। एनआईए की टीम ने असला सप्लायर कुर्बान के घर पर रेड की है। ये बुलंदशहर से खबर, जहां इंटरनेशनल अवैध असलों का सौदागर रहा है कुर्बान, जिसके घर पर मारी गई रेड, कुर्बान की हो चुकी है मौत। ये बुलंदशहर से आप तक खबर पहुंचा रहे, जहां पर हथियार सप्लायर के ठिकाने पर अब एनआईए के द्वारा रेड मारी गई। हथियार सप्लायर है और एनआईए की टीम ने असला सप्लायर कुर्बान के घर पर छापेमारी की। आपको बता दें कि इंटरनेशनल अवैध असलों का सौदागर रहा है कुर्बान, जहां पर कुर्बान की मौत हो चुकी है। तो एनआईए के द्वारा लगातार छापेमारी का सिलसिला और अब हथियार सप्लायर के ठिकाने पर यह छापेमारी की गई है। एनआईए की टीम ने असला सप्लायर कुर्बान के घर पर यह छापेमारी की गई है और आपको बता दें कि इंटरनेशनल अवैध असलों का सौदागर रहा है कुर्बान, जहां पर कुर्बान की मौत हो चुकी है अब, जिसके घर पर यह एनआईए की बड़ी छापेमारी। तो आपको बता दें कि असला सप्लायर, हथियार सप्लायर रहा है कुर्बान, जहां पर कुर्बान के घर पर अब छापेमारी की गई। इंटरनेशनल अवैध असलों का सौदागर रहा है, जहां पर उसके द्वारा ये लेन देन किया जाता था और अब कुर्बान की मौत हो चुकी है। ये बड़ी सफलता एनआईए को हाथ लगी, जहां पर बुलंदशहर में हथियार सप्लायर के घर पर एनआईए की गई। बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर छापेमारी पर अब इंटरनेशनल अवैध असला सौदागर के कुर्बान के घर पर छापेमारी की गई। आपको बता दें कि इंटरनेशनल सप्लायर है कुर्बान, जहां पर अब कुर्बान की मौत हो चुकी है। तो आपको बता दें कि इस पर और जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अनिल मीणा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, ये जो छापेमारी के चलते अब ये बात सामने आ रही है, जहां पर एक इंटरनेशनल अवैध सौदागर के घर पर छापेमारी की गई, जिसको लेकर चीजें बरामद हुई, इसको लेकर क्या जानकारी है? जी देखिए, बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, जनपद बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली का मामला है, जहां जो तड़के सुबह करीब 4 बजे से लेकर और अब तक छापेमारी कार्रवाई चल रही है। एनआईए की जो टीमें लगातार वहां छापेमारी कर रही है और जो सूत्रों के हवाले से जो खबर बताई जा रही है, जो पंजाबी जो सिंगर था मूसे वाला, उसने हत्याकांड में जो हथियार प्रयोग किए गए थे, तो वो भी खुर्जा के जिसके बताए जा रहे हैं कि खुर्जा से ही उन हथियारों को वहां सप्लाई किया गया था। और जो कुर्बान नाम का जो व्यक्ति है, वो हालांकि उसको काफी समय पहले पुलिस ने जो दिल्ली से गिरफ्तार किया था, तो उसने भी ये बात हांगी थी कि वहां से ही हथियार सप्लाई की जाती थी। लेकिन अभी तक अगर हम बात करें तो लगातार छापेमारी चल रही है और जो उसका जो भाई है रिजवान, उसको भी पुलिस ने के यहाँ छापेमारी कार्रवाई चल रही है। और सूत्रों के हवाले से अगर बात करें तो वहां भी लगातार उनसे जो परिवार के कुछ दस्तावेज भी हाथ लगे हैं और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। काफी लोगों के जो मोबाइल फोन है वो भी एनआईए की टीम ने अपने कब्जे में ले लिए हैं और लगातार वहां छापेमारी कार्रवाई की जा रही है। तो जो एनआईए की जो टीम है, हालांकि मीडिया के सामने अभी नहीं आ पाई है, ना ही कुछ मीडिया को उसने सवाल दिए, लेकिन बात करें तो अधिकारियों की बात करें तो स्थानीय अधिकारियों में उनका कहना है कि हम अभी इस मामले में कुछ नहीं कह सकते हैं और लगातार जो छापेमारी कार्रवाई की जा रही है, तो उसमें बताया जा रहा है कि जो कुर्बान नाम का जो व्यक्ति था वो बड़े पैमाने पर हथियार सप्लाई करता था और उनकी जो सप्लाई करता था वो खुर्जा का रहने वाला था और खुर्जा से ही हथियार सप्लाई करता था। और पंजाबी जो सिंगर था मूसा वाला, उसके भी जो हत्याकांड में जो हथियार प्रयोग किए थे वो खुर्जा से ही किए गए थे। जी अनिल, अगर इसकी बात की जाए तो ये जो छापेमारी की गई है, इसमें क्या क्या चीजें बरामद हुई है एनआईए को? जी मैं आपको बता दूं, अगर बरामद की बात करें तो अभी एनआईए ने जो किसी के मीडिया के सामने बात कहने से इनकार किया, लेकिन अगर सूत्रों के हवाले से वहाँ जो खबर मिली जा रही है, वहाँ काफी दस्तावेज हासिल हुए हैं और कुछ हथियार भी एनआईए की टीम ने वहां से बरामद किए हैं। तो उसको लेकर काफी और भी जो उसका जो कुर्बान का जो व्यक्ति था रिजवान, उसके घर भी छापेमार कार्रवाई की जा रही है और अभी भी रेड वहां एनआईए द्वारा मारी जा रही है। और उनका कहना यह है कि जो अभी और जगह खुर्जा में जो उनके जो सूत्रों के से बताया जा रहा है कि जो उनके रिश्तेदार थे, उनके यहाँ भी एनआईए टीम छापेमार कार्रवाई कर सकती है। उनका कहना यह है कि जो हथियार जो सप्लाई रहता, बड़े पैमाने पर हथियार सप्लाई किए जा रहे थे और उसको लेकर उन्होंने कहा है कि अगर
अभी इस तरह से कोई मीडिया के सामने कोई बयानबाजी नहीं की जाएगी, तो स्थानीय अधिकारी उन्होंने भी किसी बयानबाजी के देने से इनकार किया है। लेकिन अगर बात करें तो काफी कुछ मात्रा में हथियार भी बरामद किए। जी अनिल, अहम जानकारी देने के लिए अनिल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि ये बुलंदशहर से आप तक खबर पहुंचा रहे, जहां पर हथियार सप्लायर के घर पर एनआईए के द्वारा रेड मारी गई।